कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, और हम भी अच्छे हैं। तभी इसी अच्छे सेट के साथ हम वापस आए हैं आपको ये अच्छा सा फिंगर स्टाइल पार्ट टू सिखाने के लिए। उससे पहले मैं फिर से क्लियर कर दूं कि हमने इस सीरीज़ का पहला पार्ट ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। अगर आपने वो नहीं सीखा है, नहीं देखा है, तो प्लीज़ एक बार उस पर भी नज़र डाल लीजिएगा। हो सकता है आपको कुछ बेसिक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन सुनने को और सीखने को मिल जाए। अगर वो हो चुका है तो फिर ये वाला वीडियो आपके बहुत काम में आने वाला है। और अब हमारा टेलीग्राम कम्युनिटी भी धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, ऑल थैंक्स टू यू गाइस। तो अगर आप में से किसी ने वो ज्वाइन नहीं किया है तो आप वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हम वहाँ पे भी बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं। दिस इज फ्रंट रो, माई नेम इज अक्षय, लेट्स स्टार्ट लर्निंग। तो आज के लेसन में हम एक स्टेप आगे जाने वाले हैं। पिछले लेसन में हमने बेसिक सी बात की थी कि पिकाडो एक्सरसाइज की थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, दोनों फिंगर्स को थोड़ा सा मूव कीजिए, थंब को इंडिपेंडेंट कीजिए, ये सारा चीज़। आज हम टोटली बात करने वाले हैं आरपेजियो पैटर्न्स पे। उससे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं आरपेजियो क्या होता है। किसी भी कॉर्ड को टुकड़ों में बजाना इज नोन एज देन आरपेजियो, ठीक है। तो जैसे सी मेजर कॉर्ड है, ठीक है, दिस इज सी मेजर कॉर्ड। लेकिन अगर इसी चीज़ को मैं प्ले करूँगा तो आई जस्ट ब्रोक द कॉर्ड, है ना, तो इसको हम बोलते हैं आरपेजियो। तो आरपेजियो पैटर्न्स में आप कॉर्ड्स को ही अलग अलग टुकड़ों में प्ले करते हैं, और वो ही आज हम बात करने वाले हैं। दो पैटर्न्स आज हम सीखेंगे, और मैं पूरा ट्राई करूंगा कि अपनी एवरेज से सिंगिंग के साथ आपको एक एग्जाम्पल भी दे दूं कि आप गाने पे वो चीज़ कैसे स्टार्ट कर सकते हैं या कैसे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बात करते हैं पहले पैटर्न की। ये जो पैटर्न है, पिछले जो लेसन है फिंगर स्टाइल का, उसमें मैं सिखा चुका हूँ, उसी को बस हम डबल करने वाले हैं, दो बार बजाने वाले हैं, और इस बार हम कॉर्ड्स भी थोड़े से अलग यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉर्ड्स के साथ। पहला कॉर्ड जो हम यूज़ करेंगे ये है हमारा जी मेजर कॉर्ड या जी ओपन कॉर्ड। फॉर दिस एक्सरसाइज मैंने स्पेसिफिकली ये नीचे की दोनों स्ट्रिंग्स प्रेस की हैं। अगर आप चाहें तो एक, मतलब जो हमारा थर्ड फ्रेट पे फर्स्ट स्ट्रिंग होता है वो तो ज़रूरी है ही, अगर आप चाहें तो सेकंड स्ट्रिंग पे भी ये चीज़ प्रेस कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज में मैं कर रहा हूँ, है ना, ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि हम जब प्ले कर रहे हैं तो ऐसा साउंड ही नहीं आ रहा। कई बार ऐसी छोटी डिटेल्स आप नोटिस नहीं करते हैं, इसलिए हमें लगता है कि आपको जितना एक्सप्लेन करके बताएं उतना बढ़िया है। तो पहला कॉर्ड है जी मेजर कॉर्ड, ठीक है। दूसरा जो कॉर्ड होगा उसमें आपको अपनी जो दोनों फिंगर्स है ना, ऊपर वाली ये मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर, इनको एक स्टेप नीचे कर लेना है स्ट्रिंग के हिसाब से। मेरी जो नीचे की दोनों फिंगर्स हैं वो अपनी जगह पे रही, वो मैंने नहीं लाई, सिर्फ ऊपर की जो मिडिल और इंडेक्स फिंगर थी उसको मैंने एक एक स्ट्रिंग नीचे कर दिया। तो अब ये जो कॉर्ड बना है इसको हम बोलते हैं सी एड नाइन कॉर्ड, ओके। थोड़ा सा डिफरेंट नेम है, अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो अजीब लगेगा, बट एक बार प्ले करने पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, धीरे धीरे हम इसका थ्योरी भी आपको समझाएंगे। तो ये होता है सी एड नाइन। और फिर जो तीसरा कॉर्ड है वो होगा, आपको अपनी दोनों फिंगर्स एक स्टेप नीचे करनी है, और टेक्निकली आपको अपना मिडिल फिंगर फ्री करना है, ठीक है। मतलब सही में मैंने मेरी सिर्फ इंडेक्स फिंगर को एक स्टेप नीचे किया, तो अभी मैंने प्रेस किया हुआ है नीचे की दोनों स्ट्रिंग तीनों कॉर्ड में सेम है, मतलब मैंने इन दोनों फिंगर्स को मूव ही नहीं किया है, फर्स्ट स्ट्रिंग और सेकंड स्ट्रिंग दोनों हैं, और फिर मैंने अपना इंडेक्स फिंगर जो है वो ऐड कर दिया है सेकंड फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग पे। और अब हम प्ले करेंगे चौथा स्ट्रिंग ओपन, देन थर्ड स्ट्रिंग, सेकंड स्ट्रिंग एंड फर्स्ट स्ट्रिंग। इस कॉर्ड को हम बोलते हैं डी सस फोर, ठीक है, एक और अजीब सा नाम, बट बहुत ईजी और बहुत अच्छे बजने वाले कॉर्ड्स हैं। और क्योंकि एक ही लाइन में है, आपको ज़्यादा शिफ्टिंग को लेके, है ना, दिमाग ख़राब नहीं करना पड़ेगा, उसकी वजह से हमने ये पार्ट रखा है आपके लिए। तो इसीलिए अब ये तीन कॉर्ड्स पे ही मैं ये पैटर्न अप्लाई करके आपको दिखाऊंगा। सबसे पहला पैटर्न जो हम अप्लाई करने वाले हैं, इट गोज़ लाइक, हमने पिछली बार भी सीखा था, 6 3 2 1। अब जो ये 6 3 2 1 है, ये देखा जाए तो चार साउंड है। अभी जब कोई भी गाना हम प्ले करते हैं, नो डाउट ये चीज़ें गाने टू गाने वेरी करती हैं, बट हम कोई भी गाना लेते हैं तो मोस्टली 8 जो नोट्स हैं ना वो काम में आते हैं। तो उसके लिए क्या करना होता है, आपको ये पूरा पैटर्न दो बार बजाना है एक कॉर्ड पे। मतलब पहले जी पे किया 1 2 3 4 5 6 7 8, सी एड 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, देन डी सस 4, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जब मैं ये कर रहा हूँ तो मेरा सिर्फ थंब चेंज हो रहा है, मतलब मैंने जी के लिए किया 6 3 2 1 6 3 2 1, नेक्स्ट कॉर्ड 5 3 2 1 5 3 2 1, नेक्स्ट कॉर्ड 4 3 2 1 4 3 2 1, ओके।
तो अब जब बैक टू बैक प्ले करेंगे और थोड़ा स्टेबल करेंगे तो ऐसा साउंड करेगा। तो मैंने लास्ट में मतलब जी पे किया 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 C8 9 5 6 7 8 D7 4 3 4 5 6 7 8 then C again and then G again one time, okay? अब एक गाने पे अप्लाई करके बता रहा हूँ सिर्फ एग्जाम्पल के लिए, ठीक है? इस गाने का ओरिजिनल स्केल और उन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, हो सकता है ये सेम ही हो सकता है ये ऊपर या नीचे हो, बट जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि आपको समझ में आए कि गाने में कैसे अप्लाई हुआ, वी कैन ट्राई दैट। एक अजनबी हसीना से यू मुलाकात हो गई, फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई। सी, तो ऐसे बहुत से गाने हैं जिन पे ये चीज आप अप्लाई कर सकते हैं, बट थोड़ा सा पहले आपको बजाने पे ध्यान देना पड़ेगा ताकि गाने पे फिर आपका जब ध्यान हो तो ये चीज ऑटो पायलट मोड में चल पाए। तो आई होप ये लेसन, ये पर्टिकुलर लेसन का ये वाला पार्ट जो है वो थोड़ा सा इजी है और आप इस गाने पे अप्लाई करके, और भी गाने हैं जिन पे आप ये अप्लाई कर सकते हैं, हिट एंड ट्रायल वाला मेथड है, एक बार ट्राई करके देखिए। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ दैट यू हैव टू ट्राई, यू हैव टू फेल, देन ओनली यू विल लर्न। ओके, तो चलिए बात करते हैं सेकेंड पैटर्न के बारे में। तो पहला पैटर्न सही लगा? नहीं लगा? लगा बहुत बच्चों का खेल है, तो चलिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर देते हैं, ठीक है? अब ये वाला जो पैटर्न है ये भी कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी पैटर्न नहीं है, बट ठीक है, पिछले वाले के कंपैरिजन में इसमें थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगेगी। आई एम गोइंग टू यूज़ द सेम कॉर्ड्स, ठीक है? तो कॉर्ड्स हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हैं पिछले पार्ट में। अब हम क्या करेंगे, मैं आपको सीधा पैटर्न बोल रहा हूँ, पहले पैटर्न कैसे बोल रहा हूँ, स्ट्रिंग्स के नंबर्स बोल रहा हूँ। ओके, सो इट साउंड्स लाइक दिस। ओके, तो सिक्स पे मैंने प्ले किया, जब मैं पहले कॉर्ड पे हूं तो मैं प्ले कर रहा हूं 6 3 2 3 1 3 2 3। आई रिपीट अगेन 6 3 2 3 1 3 2 3, देन आई मूव टू C8 9 एंड आई विल प्ले 5 3 2 3 1 3 2 3, देन फॉर D7 4 आई विल प्ले 4 3 2 3 1 3 2। तो अगर आपने नोटिस किया हो तो यहां पे भी सेम चीज हो रही है कि बाकी का पैटर्न सेम है बट पहला जो नंबर है वो स्विच हो रहा है, बिकॉज हमारे कॉर्ड स्विच हो रहे हैं। तो जब भी कोई कॉर्ड ऐसा है जिसका बेस नोट आपको छठे स्ट्रिंग पे मिलेगा तो आप छठे स्ट्रिंग को थंब से बजाएंगे, अगर किसी का बेस नोट फिफ्थ पे है तो आप उसको फिफ्थ से बजाएंगे, और किसी का बेस नोट जैसे डी मेजर है उसका अगर फोर से होगा तो आप उसको फोर पे बजाएंगे, ठीक है? एक बार काउंटिंग करके टेम्पो के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ओके, अब मैं सेम गाना इसी पैटर्न पे गा के देखते हैं। एक अजनबी हसीना से क्यों मुलाकात हो गई, फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई, ठीक है? तो यू कैन यूज बोथ पैटर्न्स फॉर द सेम सॉन्ग, इट टोटली डिपेंड्स कि आपको कौन सा सूट कर रहा है, आप किस पैटर्न को कंफर्टेबली प्ले कर पा रहे हैं। जो भी पैटर्न आपको लगे आप कंफर्टेबली प्ले कर पा रहे हैं, है ना, आपके कंफर्ट जोन में है, आप उसके साथ एक बार प्रैक्टिस ज्यादा कीजिए और फिर गा के इस चीज को ट्राई कीजिए, मेरे ख्याल से आपका काम हो जाना चाहिए। देखिए, जो वीडियोस आप देख के इंस्पायर होते हैं ना फिंगर स्टाइल गिटार बजाने के लिए, आई नो उस लेवल का कुछ मिला नहीं है आपको बजाने का, बट बिलीव मी पहले बेसिक स्ट्रांग होने बहुत जरूरी है। अगर आपके बेसिक स्ट्रांग होंगे तो डेफिनेटली यू विल अचीव वॉट एवर यू आर लाइक यू हैव सीन ऑन द वीडियो ना, कि चाहे आप अमीन तूफानी का वीडियो देख के मोटिवेट हुए हैं कि हमें फिंगर स्टाइल बजाना है
चाहे और भी बहुत अच्छे अच्छे इंडियन गिटारिस्ट हैं जो आजकल गानों के फिंगर स्टाइल कवर करके डालते हैं, तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड प्लीज़ ये बेसिक एक्सरसाइजेज अच्छे से कीजिए एंड धीरे धीरे हम भी आपके लिए थोड़ा एडवांस लेसन लेके आएंगे, बट पहले ये बेसिक्स आप स्ट्रांग कीजिए विद दिस होप कि आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। हम पक्के से नया लेसन और नेक्स्ट लेसन शूट करके डालेंगे, बट वो आपके रिस्पॉन्स पर भी डिपेंड करेगा। अब आपका रिस्पॉन्स हमें कैसे पता चलेगा? जैसे जैसे आप सब्सक्राइब करेंगे, है ना, वीडियो को लाइक करेंगे, नीचे कमेंट्स आएंगे, आप बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपने ट्राई किया कि नहीं किया, है ना, आपने परफॉर्म किया, तो फिर हमें लगेगा कि हाँ भाई किसी के काम की चीज़ गई है तो और उसको आगे बढ़ाना है। विद दिस होप चलिए आज यही रैपअप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड आई विल मीट सून।